Okay, students. So today we are discussing about the fertilization. ठीक है, सभी लोग जो लोग नहीं हैं ऑनलाइन या ऑनलाइन जो है उनके लिए है कि चैनल जो है देखें और फिर कमेंट्स के बाद चलिए फर्टिलाइजेशन. ओके, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स प्रिपेयर होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका फर्टिलाइजेशन. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. मेल एंड फीमेल गैमेट्स. ओके, इस इवेंट के बाद इसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझते हैं इसका. वे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ओके, इसको समझते हैं डायग्रामेटिकली क्योंकि उसमें काफी सारे क्वेश्चन शामिल हैं. एम्ब्रियो सेल के डायग्राम में इंटर बैंक फर्स्ट और ये सेकेंड आता ट्यूनी प्लस. नाउ पॉलिन ट्यूब, पॉलिन ट्यूब ट्रेवल करती है आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन. पॉलिन ट्यूब रीच टू द माइक्रोपाइल. ओके, दिस इज द माइक्रोपाइल. After the arriving of pollen tube to the micropyle, two nucleus get disintegrated. Two nucleus का disintegration हो जाता है, यानी two nucleus गल जाता है. Okay? Two nucleus disintegrate होने के बाद, second आपका first male gamete है. First male gamete end at ये है first male gamete end at और ये है आपका फर्स्ट मेल गैमेट. गैमेट्स ठीक है, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज टुगेदर. फर्स्ट मेल गैमेट एंड एग न्यूक्लियस ऑफ एग सेल फ्यूज टुगेदर टू मेक द जायगोट. इसे क्या बनेगा आपका, ये जायगोट फॉर्मेशन होता है. इट मेक जायगोट कहते हैं फर्टिलाइजेशन. ओके, फर्स्ट मेल गैमेट and nucleus or egg fuse together to make the zygote is called fertilization. Okay, now the point is that second male gamete kya hota hai, ye two aapke two polar nucleus hai, two polar nuclei, these are fused with second male gamete. Okay, so जब हमें फाइनल डायग्राम बनाना है फर्टिलाइजेशन का, तो उसमें हम मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एग न दिखा करके सीधा जायगोट दिखाते हैं. ये हमें आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूं. ये जो सेकंड मेल गैमेट है ये फ्यूज किसके साथ होता है, टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ. ओके, देन सेकंड मेल गैमेट फ्यूज द टू पोलर न्यूक्लियाई, इट मेक द PEN. PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जैसे PEC कहेंगे जब सेल चेंज हो जाएगा तो. ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल भी कहते हैं इसको. ओके, तो यहाँ पर आपकी PEN पढ़िए जो उसके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या PEC पढ़ लीजिए. इसे कहेंगे आए प्राइमरी एंडो न्यूक्लियस. ओके, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये फर्दर डेवलप होके क्या बनाएंगे आपकी पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो क्या आपके एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट करेगा.
और एंडोस्कोम का फंक्शन आप बाद में जाएंगे, तो फंक्शन होता है स्टोर करता है फूड। ओके, इस तरह से ये आपका फर्टिलाइजेशन है। अब देखिए फर्स्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि यहाँ पर आपके फर्टिलाइजेशन के साथ एक टॉपिक होता है डबल DOBLE फर्टिलाइजेशन, क्योंकि दोनों टॉपिक एक साथ चलते हैं, फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? ओके, या फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं एंजियोस्पर्म में? पहला फर्टिलाइजेशन तो आपका जायगोट बनता है, ओके, एग और फर्स्ट मेल गैमेट, तो ये फर्टिलाइजेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड में आपका क्या है कि प्राइमरी सेलोसोम का फॉर्मेशन होता है, फिर टू पोलर न्यूक्लियाई एंड फर्स्ट एंड सेकंड मेल गैमेट। ओके, इसलिए दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, एक जायगोट बनाने के लिए और एक पी बनाने के लिए। सो इट इज ए डबल फर्टिलाइजेशन। क्या है ये? डबल फर्टिलाइजेशन है। ओके, इट इज द डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका कुछ क्रोमोसोम का नंबर डिप्लॉयड और डिप्लॉयडी भी कंसेप्ट है, यहाँ पर भी आप क्वेश्चन भी आते हैं आपको, ठीक है, कंपटीशन में मिलता है आपका, कभी कभी 12 बन जाता है। तो ये है 2N यानी कि डिप्लॉयड है, और जो आपका PEN है ये 3N है, कैसा है? ट्रिप्लॉयड। ओके, हाउ बी कंसेप्ट शुड बी क्लियर, 2N यानी कि डिप्लॉयड। देखिए आपका जो फर्स्ट मेल गैमेट होता है, फर्स्ट मेल गैमेट, ये एन है प्लस एग का न्यूक्लियस, ये भी आपका हैप्लॉयड है, तो एन प्लस एन, ठीक है, ये बनाता है आपका जायगोट। क्या बनाएगा? जायगोट। तो एन प्लस एन इक्वल टू 2N, ठीक है। और जब डबल फर्टिलाइजेशन यानी PEN के केस में सेकंड मेल गैमेट प्लस टू पोलर न्यूक्लियाई हैं, दो न्यूक्लियाई होते हैं एन प्लस एन, टू पोलर न्यूक्लियाई जो बनाते हैं PEN। ओके, तो एन प्लस एन यानी कि टू पोलर न्यूक्लियाई हैं, तो कितने हो जाएंगे? 3N, ठीक है। तो देयर आर द ट्रिप्लॉयड होते हैं, कैसे होते हैं? ट्रिप्लॉयड। यहाँ क्वेश्चन भी आता है, ओके, कि अगर ये बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है, फिर से समझाता हूँ, क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी एग मिलते हैं, इसलिए हैप्लॉयड होते हैं, दोनों पर 2N ही बनता है आपको। ओके, जायगोट डिप्लॉयड होता है, पूरी बॉडी डिप्लॉयड होती है प्लांट की। लेकिन एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉयड होता है, एक तो आपका मेल गैमेट है प्लस दो पोलर न्यूक्लियाई है आपके, तो वो 3N हो जाते हैं, कितने हो जाएंगे? 3N, तो ट्रिप्लॉयड होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आप यहाँ समझ लीजिए कैसे बनता है। किसी पेटियोल जो है आपका पेटल जो है वो 2N है, और उसका क्रोमोसोम नंबर कितना है? उसका क्रोमोसोम नंबर है 16 एंड 2N बराबर 16। तो एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? ओके, समझ लीजिए 2N इज इक्वल टू 16 है। एंडोस्पर्म पेटल की बात कर रहे हैं, यानी फ्लावरिंग प्लांट है। कैसा है? फ्लावरिंग यानी एंजियोस्पर्म। यहाँ केस अलग अलग होते हैं जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में, जरा कंसेप्ट क्लियर कर लें। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, यही सवाल अगर आपका जिम्नोस्पर्म में पूछता है तो वो अलग हो जाता है, और एंजियोस्पर्म में पूछ रहा है, यानी एंजियोस्पर्म में ये कह रहा है क्योंकि पेटल है, पेटल फ्लावरिंग प्लांट जो आपके एंजियोस्पर्म में है, तो एंजियोस्पर्म में आपका 2N 16 है, और इसका एंडोस्पर्म कैसा होगा? ट्रिप्लॉयड। कैसा होगा? 3N। तो कंसेप्ट मिलना है आपको कि एंडोस्पर्म हुआ वो 3N होगा। अब आपको कैलकुलेशन करना है, 2N इज इक्वल टू 16, एन बराबर 8, और चलिए ठीक है, 16 अपॉन 2, एन बराबर ये होगा 8 आएगा आंसर, ठीक है, तो एन 8, एन इज इक्वल टू 8 है तो 3N, तो 3 × 8 = 24, कितना हो गया आपका ये 24 क्रोमोसोम होंगे इस एंडोस्पर्म की सेल में, यानी जो प्लांट है उसके पेटल में अगर 16 क्रोमोसोम है, 16 क्रोमोसोम।
तो उसके एंडोस्पर्म में होंगे आपके 16 एंडोस्पर्म होंगे 24 क्रोमोसोम। बात समझ में आ रही है, ये आपको आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये जो आपके पॉलीप्लॉयडी कहते हैं, प्लॉयडी कहा जाता है इसको, प्लॉयडी, ठीक है, डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है, अगर है तो क्यों है, वो आपको कंसेप्ट मैंने समझाया है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है या PEC प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होती है वो ट्रिप्लॉयड होती है, ध्यान रखना। ओके, 2N का 3N होता है एंजियोस्पर्म में। और अगर कंसेप्ट आप समझना चाहते हैं जिम्नोस्पर्म का तो समझा देता हूँ मैं अभी आपको, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा इतना नहीं आता है आपका, आएगा तो यहीं तक आएगा, जिम्नोस्पर्म अलग है टॉपिक। और पाइनस में क्वेश्चन आता है तो घुमा देगा आपको, बराबर जो TN होता है लीफ, तो ठीक है 2N है, लीफ कैसी होती है हमेशा डिप्लॉयड, 2N है, 2N = 16 दे रहा है, तो N बराबर कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा हैप्लॉयड, 8 हैप्लॉयड। तो उस समय यानी कि इस केस में आपका जो साइकस के केस में क्रोमोसोम नंबर जो होगा एंडोस्पर्म में वो आपका हैप्लॉयड होगा, ध्यान रखना। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है, और एंजियोस्पर्म में यानी फ्लावरिंग प्लांट में जो आपका चैप्टर है, ठीक है, आपके सिलेबस में है, उसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन होता है एंडोस्पर्म का। ओके, यहाँ 3N होता है, वहाँ हैप्लॉयड में आपका जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉयड होता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो ये था आपका फर्टिलाइजेशन। ओके, अब ये जो आपका फर्टिलाइजेशन है मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और प्री फर्टिलाइजेशन। ओके, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कंसेप्ट अब है आपका फर्टिलाइजेशन, मैंने आपको तीनों चीज़ें पढ़ा दी है। फर्टिलाइजेशन में आपको ये डायग्राम दिखाना है, या आपको जायगोट दिखाना है, PEN दिखाना है। ओके, इतने डायग्राम बनाने के बाद आपको कुछ और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जायगोट बता दीजिए और PEN बना दीजिए, ये फर्टिलाइजेशन है। डबल फर्टिलाइजेशन पूछता है तो आप स्पेशली उसको बताइए कि टू पोलर न्यूक्लियाई एंड सेकेंड मेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं तो PEC का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, ये है डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट अब है इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या है आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट? तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में चेंज इन द फ्लावर, बहुत सारे चेंजेस क्या होते हैं वो समझ लीजिए। ओके, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है वो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, चेंज इन द फ्लावर या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, आवाज आ रही चाहिए, मेरी आवाज आ रही हो? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपका जो फ्लावर को समझना चाहें तो ये जो आपके सबसे पहले बात करते हैं सेपल्स की। ओके, फेडेड ऑफ। ओके, तो ड्राई अप हो जाते हैं, या फेडेड ऑफ भी बर्ड लिखते हैं, ड्राई अप भी सिंपल है आपका, ये ड्राई अप। ओके, सूख जाते हैं लेकिन कुछ में परसिस्ट भी रहते हैं, कौन सा है आपका ये सेपल्स में? जैसे टोमेटो है, ब्रिंजल है, बैंगन और टमाटर, इसमें सेपल्स आपके जुड़े रहते हैं, इन्हें परसिस्ट कहते हैं, परसिस्ट, नहीं परसिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। सेपल्स के बाद पेटल्स, ये भी आपके ड्राई अप हो जाते हैं, सूख जाते हैं, फेडेड ऑफ हो जाते हैं, फेडेड ऑफ एक अच्छा पॉइंट है। ओके, फेडेड ऑफ, ओके, ये भी सूख जाते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ये भी आपके ड्राई अप हो जाते हैं। ओके, ये भी सूख करके गिर जाते हैं, ठीक है। अब आती है आपकी ओवरी। ओके, ओवरी कन्वर्ट इनटू द फ्रूट, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में। ओके, जो आपके ओवरी है, सेलोन पार्ट है गाइनोसियम का, ये कन्वर्ट इनटू द फ्रूट। ओके, नेक्स्ट है आपका ओव्यूल, ये सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे सीड में। जाइगोट,
एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, दीज आर द चेंजेस या चेंज इन द फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में भी आपका ये आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है, ये तो फ्लावर में चेंज आ गए, यहाँ से आएगा आप एम्ब्रियो जैनी. ओके, और यहाँ पर अगर आप और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं पूछ लेते हैं कभी बार, जो आपके ओव्यूल में एंचेगमेंट होते हैं, ठीक है, एंचेगमेंट, एंचेगमेंट में सीड कोट बनाते हैं, क्या बनाएंगे आपके ये सीड कोट, चने का जो छिलका है जिसे आप खाते हुए उड़ा देते हैं, मूंगफली का जो छिलका है लाल लाल सा होता है जिसे मूंगफली के दाने खाते हुए आप उड़ा देते हैं, वो इंटरमेंट है, सीड कोट है. क्या है वो? सीड कोट. ठीक है, सो दी अदर सम चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द फ्लावर. ठीक, यहाँ इम्पोर्टेंट है एम्ब्रियो. ओके, सीड कोट नहीं, ये आपका कंसेप्ट जो आगे जाएगा दैट इज द एम्ब्रियो. क्या है ये? एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो जैनी, क्या पढ़ेंगे आप? एम्ब्रियो जैनी. ठीक है, आगे पढ़ते हैं आप. जायगोट जो है आपका, ठीक, जायगोट ये बनाएगा आपका एम्ब्रियो. क्या बनाएगा? एम्ब्रियो. वन मिनट. जायगोट जो है वो एम्ब्रियो डेवलप करता है. ओके, यहाँ कंसेप्ट ये आता है कि एम्ब्रियो होता है मोनोकॉट और डाइकॉट. ठीक है, अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है. एम्ब्रियो चाहिए, कई सारे पॉइंट है. एम्ब्रियो में आपका आएगा कंसेप्ट प्रो एम्ब्रियो. ओके, प्रो एम्ब्रियो. ठीक है, और उसके बाद आता आपका है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो. तो प्रो एम्ब्रियो है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो है और हार्ट से एम्ब्रियो है. एम्ब्रियो जोनी एक जायगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है. एम्ब्रियो जोनी में कई सारे स्टेप्स आते हैं. एम्ब्रियो पहले पढ़ा दे रहा हूँ मैं आपको, एंडोस्पर्म भी आपको पढ़ा सकता हूँ. ठीक है, तो पहले एम्ब्रियो में कंसेप्ट कर लेता हूँ, फिर एंडोस्पर्म पढ़ा देंगे बाद. लेकिन एनसीईआरटी पहले दिया हुआ, वैसे भी डेवलपमेंट तो आपका पहले एम्ब्रियो एंडोस्पर्म का होता है, क्योंकि उसमें जो है फूड का स्टोरेज करता है. ठीक है, आप कंसेप्ट एम्ब्रियो है तो वो पढ़ लीजिए. प्रो एम्ब्रियो क्या है और ग्लोबुलर एम्ब्रियो क्या है, ये पॉइंट आपको समझा देता हूँ. जायगोट का जो सेल होती है, समझ लीजिएगा, जायगोट में, ठीक है, इसमें डिवीजन होता है तो ये दो सेल बनती है. ठीक है, एक होता है आपका बेसल सेल और एक होती है एम्ब्रियोनल सेल. ठीक है, इसे हम बेसल सेल मान लें और ये है आपकी, ठीक, एम्ब्रियोनल सेल. ओके, ये नहीं आपके प्रोसेस है. इसके बाद इसमें सीक्वेंस में डिवीजन होते हैं, दे आर डिवाइडिंग. ओके, ये जो एम्ब्रियोनल सेल है, इट डिवाइड एंड मेक द एम्ब्रियो. बेसल सेल सस्पेंशन का रिलीज करती है, सस्पेंशन का डेवलपमेंट करती है. तो सस्पेंशन समझ लीजिए जो कि होस्टेरियम के रूप में या इन द फॉर्म ऑफ होस्टेरियम दे एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम एंडोस्पर्म. ओके, तो एम्ब्रियोनल सेल यानी कि अभी प्रो एम्ब्रियो की बात आई जिससे पहले मैंने आप बोला था, एम्ब्रियो सेल है. ओके, तो इस तरह से ये डिवाइड होती है. नेक्स्ट डिवीजन में ये सेल जो है आपकी, ये डिवाइड
तरीका से, और ये नीचे वाली सेल इस तरह से डिवाइड होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो आपकी सेल है ये एम्ब्रियोनल सेल है, ये बेसल सेल डिवाइड हो रही है, नीचे वाली एम्ब्रियोनल सेल, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप में आपकी फोर सेल कंडीशन आ जाएगी, ग्लो द सेल्स, ओके। अब दो सेल्स हैं, निचली वाली दो सेल हैं आपकी, एक और डिवीजन करेंगी और बन जाएंगी आपकी एट सेल, फोर सेल कंडीशन, ठीक है। तो ये जो आपकी सेल कंडीशन है इसमें आपका चेंजेस आते हैं, देखिए यहाँ पर आपका ये एक और डिवीजन है, अगर पीछे देखो इस तरह से पहला डिवीजन, ये दो सेल हुई, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रोएम्ब्रियो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इस तरीके से फर्स्ट डिवीजन हुआ एम्ब्रियोनल सेल में, तो दो सेल हो गई, ओके। कंसेप्ट किसका ना, यहाँ पर प्रोएम्ब्रियो की बात करें, वी नाउ डिस्कस अबाउट द प्रोएम्ब्रियो, ओके। तो प्रोएम्ब्रियो में आपका दो सेल भी, नेक्स्ट डिवीजन जब यहाँ पहुंचेगा तो इस तरह से हो जाएगा, अब कितनी हो गई, चार सेल हो गई, देयर इज अ फोर सेल। अब फोर सेल कंडीशन जो होती है वो हो जाती है आपकी प्रोएम्ब्रियो, कैसी हो जाएगी, प्रो एम्ब्रियो, ठीक है, दिस इज द प्रो एम्ब्रियो। और ये है आपके बेसल सेल है, बेसल सेल की क्या बन जाएंगे आपकी, सस्पेंसर सेल बनेगी धीरे धीरे डिवीजन करके, ओके। तो प्रो एम्ब्रियो इसमें फर्दर से और ज्यादा डेवलपमेंट होगा, ओके। यानी कि अभी ये चार सेल हैं, अगर इसमें आप यूं नीचे सेक्शन और काट दें, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन, तो चार की जगह कितनी हो जाएंगी, आठ, ओके बेटे, यहाँ की ये आठ सेल बन जाएंगी, ओके। आगे चल के यही आपका ग्लोबुलर शेप लेगा, ओके। तो प्रो एम्ब्रियो कन्वर्ट इन डिवीजन होने के बाद नेक्स्ट सीजन में आपका ये सस्पेंसर सेल बनती है, एक आपका ये सेल है, ये सस्पेंसर सेल बनाएंगे, ओके। और ये तरीका से है धीमे धीमे सेल डिवाइड होना स्टार्ट होती है, नेक्स्ट डिवीजन है आपका ये सारे सस्पेंसर सेल है, फाइनली और आपका ये है, ओके। और ये स्लोली स्लोली आपका ये हार्ट शेप में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये शेप जो है आपकी हार्ट शेप हो गया, ओके। नेक्स्ट आपका जो बनेगा वो मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा, क्या बनेगा, ये मैच्योर एम्ब्रियो, इसमें आपके दो कॉटिलेडंस होंगे डाइकॉट में, ओके। सो दीज आर द, देखिए मैच्योर एम्ब्रियो डाइकॉट एम्ब्रियो है, दिस इज द डाइकॉट एम्ब्रियो, समझ लीजिए आप, यहां थोड़ा कंसेप्ट समझना है। हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल एम्ब्रियो एक्सिस, क्या बात आती है आपकी, ये एम्ब्रियो एक्सिस, यहां समझ लीजिए एम्ब्रियो एक्सिस के दो पार्ट हैं, एक है प्लूम्यूल, दूसरा रेडिकल, प्लूम्यूल और दूसरा है आपका रेडिकल, ओके। तो प्लूम्यूल और रेडिकल के दो पार्ट होंगे एम्ब्रियो एक्सिस में, ओके। तो रेडिकल तो ये हो गया आपका, ठीक है जी, और रूट कैप हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रूट कैप, रूट के आगे हमेशा रूट कैप प्रेजेंट रहती है, रेडिकल के आगे क्या हो जाएगा, रूट कैप, ठीक है। अब ये जो आपके एम्ब्रियो एक्सिस है, दिस इज द प्लूम्यूल, प्लूम्यूल, ओके, प्लूम्यूल, और क्योंकि ये आपका एम्ब्रियो एक्सिस कॉटिलेडंस से डाउन है, हाइपो मींस डाउन, ओके। तो कॉटिलेडंस से डाउन इसलिए किया जाएगा हाइपोकॉटिल, हाइपोकॉटिल, ओके। And these are both are the cotyledons. Cotyledons. ये क्या है? Dicot है. This is the dicot embryo. Okay? तो dicot embryo, monocot embryo की primary जो development stage है वो same होती है.
ठीक है, ग्लोबुलर से हार्ट से सब एक से आती है, लेकिन बाद में फाइनली मैचुरेशन में चेंज होता है। तो आप ये आपका है वो डायकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, डायकॉट एम्ब्रियो की डायग्राम है, इसको आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, देखो समझ लीजिए, एम्ब्रियो एक्सिस में फ्लूइड और रेडिकल दो पार्ट होते हैं, उसे आप एम्ब्रियो एक्सिस कहेंगे। हाइपोकॉटल क्यों है, क्योंकि कॉटिलेडनस एम्ब्रियो एक्सिस का पार्ट कॉटिलेडनस से डाउन है। रेडिकल है जो रूट बनाता है, तो ये रूट कैप हो गया। ठीक है, प्लूमूल यानी कि जो सूट बनाएगा, ओके जानते हैं आप, रेडिकल यानी रूट बनाने वाला, इसे तो आप समझते ही हैं, ये फॉर्मेशन करेगा रूट की और ये बनेगा सूट की, ओके सूट के वजह से। ठीक है, तो ये है आपकी कंडीशन डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो। ठीक है, अब नाउ वी डिस्कस अबाउट द मोनोकॉट एम्ब्रियो। ये डायकॉट एम्ब्रियो डायग्राम दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से, बस सस्पेंस रहे, आपको एनसीईआरटी से बाहर भी जाना है, समझना है, बस ऑनलाइन समझ लीजिए, कैसे भी समझ लीजिए, और एनसीईआरटी के जो डायग्राम उनको अपने नॉलेज को वहाँ से ऐड करके यानी उसको अडॉप्ट करके डायग्राम आपको वहीं से सीखना है। ठीक है, जो सिंपल लगे, जहाँ से सिंपल लगे वो सीख लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी को आप जरूर फॉलोअप करें उस समय से। नेक्स्ट है आपका मोनोकॉट एम्ब्रियो। ठीक है, ये डायकॉट एम्ब्रियो का आगे डेवलपमेंट है एम्ब्रियोजेनी, अभी आपने जो पढ़ा वो क्या था, एम्ब्रियोजेनी। ठीक है, प्रो एम्ब्रियो, ठीक है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, उसके बाद है मैच्योर एम्ब्रियो। चलिए नेक्स्ट है मोनोकॉट एम्ब्रियो बता देते हैं आपको, उसको भी सिंपल है। वीडियो से जा रहा है, मोनोकॉट एम्ब्रियो में समझ लीजिए आप, मोनोकॉट का डायग्राम जो होता है बहुत ही सिंपल है, मेज को समझ लीजिए, मेज कंसेप्ट लीजिए, आपका ग्रासेस भी आती है, लेकिन मेज का बहुत अच्छा डायग्राम बनता है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, मक्के का दाना जैसा होता है वही समझ लीजिए आप, ये रहा आपका मक्के का दाना, छोटा सा डायग्राम तो नहीं है, बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर आगे का पोर्शन जो होता है आपका ऊपर, ये जो है वो आपका एंडोस्पर्म है, ये पूरा भरा हुआ जो क्या है, एंडोस्पर्म, ओके। यहाँ क्लियर होती है, एल्यूरोन रोलेयर कहते हैं, उसकी कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन होती है, आप आगे पढ़ेंगे बहुत काम आएगा, जब कंपटीशन करेंगे बहुत अच्छी आएगा। तो ये एल्यूरोन लेयर होती है, मैंने आपको बताया एम्ब्रियो एक्सिस में दो चीज होती है, एक रूट और सूट, ठीक है, रेडिकल और प्लूमूल। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रूट की, ठीक है, तो रूट और रिजा आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो रूट जो कैप है, ओके, तो यहाँ पर रेडिकल रूट को क्या कहेंगे, ये रहा आपका रेडिकल, ओके। अब इसको कवर करने वाला रूट कैप, यहां पर एक जो डायग्राम है वो क्या बन जाएगा, रूट कैप, ओके। अब इस रूट को अब या रेडिकल को कवर करने वाला, क्योंकि उसे क्या कहते हैं, जो राइजोम कही जाती है, जड़ भी है उसका दूसरा नाम है, यहां पर दूसरा पॉइंट हो जाता है आपका कवरिंग जो होती है, इट इज नोन एज द कॉलिरिजा। ठीक है, कॉलिरिजा, ठीक है, कॉलिरिजा कहते हैं। सेम थिंग जो सूट है, सॉरी, ये सूट जो है आपका, ओके, इसे सूट टिप भी लिख सकते हैं, ओके, या फ्लूगुल है, फ्लूगुल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सूट टिप को जो कवर करता है उसे कॉलिप्टाइल कहते हैं, क्या कहेंगे, सूट टिप, या आपका प्लूगुल लिख दीजिए, सूट टिप नहीं सूट करेंगे तो आप प्लूगुल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। उसको कवर करने वाला है आपका कॉलिप्टाइल, क्या है आपका, ये कॉलिप्टाइल, ठीक है, कॉलिप्टाइल, क्योंकि एंडोस्पर्म जो आपका अलग है, साथ में जो आपका कॉटिलेडनस है वो कैसा होता है, सिंगल कॉटिलेडनस होता है इसमें,
जो आपका मोनोकॉट एम्ब्रियो है इट इज द सिंगल होता है, यानी कि एक ही है, सिंगल कॉटलेडस है। इस सिंगल कॉटलेडस को आप कह देते हैं सेक्यूटेलम। क्या कहेंगे आप? सेक्यूटेलम, ठीक है, सेक्यूटेलम जो आपका प्रेजेंट रहता है। तो ये है आपका एम्ब्रियो एक्सिस हो जाएगी, प्रीमिंग रेडिकल, रूट गैप को आप कहेंगे, उसके बाद पॉल रजा है, रूट टिप को कवर करने वाला, ठीक है, प्लूमिल को कवर करने वाला है आपका पॉलिप्टाइड। और एक जो आपका कॉटलेडस है उसका नाम होता है सेक्यूटेलम, ठीक है। तो बुक में भी आंसर दिया हुआ है आपका, यहाँ भी मैंने आपको समझा दिया। सो दिस इज द सेक्यूटेलम, और ये क्या है? मोनोकॉट एम्ब्रियो है, ओके, सेम डेवलपमेंट सेम होता है, हार्ट शेप होता है आपका, ठीक है। पहले सिंपल केस बताना है कि जायगोट जो है डिवीजन करता है, ट्रांसफर डिवीजन, उससे एम्ब्रियोनल सेल और बेसल सेल बनती है, ओके। बेसल सेल जो है वो सस्पेंसर बनाने का कार्य करती है या काम करती है, फंक्शन लाइक सस्पेंसर। सेकंड थिंग है आपका जो एम्ब्रियोनल सेल है वो डिवाइड होती है वर्टिकल सेक्शन में टू टाइम, फर्स्ट वर्टिकल सेक्शन दो सेल बनेंगी आपकी, फिर वर्टिकल सेक्शन बनाएगा तो फोर सेल हो जाएंगे, फोर सेल कंडीशन कहते हैं प्रो एम्ब्रियो। उसके बाद उसमें फिर आपका हॉरिजेंटल डिवीजन होता है तो बन जाता है आपको ग्लोबुलर से, ठीक है। इस तरीके से काफी आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो, ठीक है जी। अब है आपका एंडोस्पर्म, ठीक है। तो यहाँ जो आपकी बेसल सेल है, ध्यान रखना बेसल सेल हमेशा होस्टेरियम का काम करती है, ओके। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एंडोस्पर्म। ओके, एंडोस्पर्म की सेल को हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, उसके न्यूक्लियस को कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोन्यूक्लियस, ठीक है जी। जो भी आपकी सेल है, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, हम न्यूक्लियस बार बार इसके क्यों कहते हैं? क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है। आपने टॉपिक पढ़ा है कैरियोगाइनेसिस और साइटोगाइनेसिस, तो पहले जो प्राइमरी जो न्यूक्लियस है बहुत सारे न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है। उसके बाद यानी पहले कैरियोगाइनेसिस होती है, फिर साइटोगाइनेसिस, साइटोन्यूक्लियन होता है। जैसे डिफरेंट टाइप के एंडोस्पर्म हैं आपके, न्यूक्लियर टाइप के, यानी इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ओके। अब जैसे बात करते हैं कोकोनट के पानी का और कोकोनट यानी गरी का, तो कोकोनट का जो पानी है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। कैसा है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यानी कि एंडोस्पर्म किसके फॉर्म में है? न्यूक्लियस के फॉर्म में, न्यूक्लियस अभी सेल नहीं बनी है, ओके। तो न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म होता है। दूसरा होता है सेल्यूलर टाइप एंडोस्पर्म, ओके, यानी कि सेल्यूलर का मतलब है कि इसमें न्यूक्लियस डिवीजन के बाद सेल का फॉर्मेशन होता है, ओके। तो यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ आपको दो मिनट में कि सेलुलर टाइप का भी हो सकता है। तीसरा टाइप होता है एलोवियल टाइप, एलोवियल, ओके, ये भी है एलोवियल टाइप, ओके बेटा। तो तीन टाइप के आपके एंडोस्पर्म होते हैं, ओके। लेकिन आपको ट्वेल्थ में इतना नहीं है, आपको से पूछा जाएगा कि ये जो आपका एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है या क्या है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पहले न्यूक्लियस का डिवाइड करता है, ओके, फर्स्ट न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है, उसके बाद सेल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? सेल का फॉर्मेशन। तो इस तरह से कोकोनट का नाल में पानी जो होता है वो लिक्विड एंडोस्पर्म है, कोकोनट मिल्क इसे कहते हैं। उसके बाद जब आप गरी खाते हैं तो वो सेलुलर है, ओके। अगर गरी और न्यूक्लियस दोनों, यानी कि सेल और न्यूक्लियस दोनों चीज प्रेजेंट है, तो उसे कहते हैं होलोवियल टाइप एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ये आपका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, यानी कि पहले सेल बहुत सारे बनाता है, उसके बाद ये डिवाइड होकर न्यूक्लियस बनाता है, फिर सेल बन जाती है। क्या बन जाती है? सेल, ओके। सेल का फॉर्मेशन होता है और बन जाता है आपका एंडोस्पर्म। क्या बन जाएगा? एंडोस्पर्म, ठीक है। तो एंडोस्पर्म, अब इसके आगे फंक्शन,
क्या आते हैं इसके फंक्शन। इसमें बात समझ में आए इसके मतलब मेरे प्राइमरी इंडक्शन का न्यूक्लियस कंटिन्यूसली या सक्सेसिवली डिवाइड होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेता है। ओके, डिफरेंट टाइप की न्यूक्लियस में डिफरेंट तरह की स्ट्रक्चर होती है, बट फर्स्ट डिवाइड न्यूक्लियस टू फॉर्म द नंबर ऑफ द न्यूक्लियस एंड ईच न्यूक्लियस गो टू द सेलुलर फॉर्मेशन। क्या होता है? सेलुलर फॉर्मेशन। ओके, ईच एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और ईच एंडोस्पर्म सेल है द रिजर्व फूड फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो। ओके, इसका फंक्शन होता है कि ये फूड को रिजर्व करता है एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के ग्रोथ के लिए। ओके, तो इस तरह से आपके लिए एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, कुछ एंडोस्पर्म जो है कुछ सीड में एंडोस्पर्म कंटिन्यूसली यानी कि कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस सीड्स आते हैं, ये टॉपिक थोड़ा अलग है, सीड्स पे पढ़ेंगे लेकिन यहाँ से कनेक्टेड है। एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस यानी कि जिस सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, ओके, यानी कि बचा हुआ है, उसे कहते हैं एल्बुमिनस सीड, यानी उसका ख़त्म नहीं हुआ, पूरा कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ है एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, तो उसे कहते हैं एल्बुमिनस सीड। ओके, एग्जाम्पल एनसाइटिंग दिए बहुत सारे, आपको 5 एग्जाम्पल मिलेंगे, टी ग्राउंड नट, ठीक है, उधर मिलेगा आपको वीट राइस वगैरह, तो उसमें आप समझना। तो जो एल्बुमिनस सीड है यानी वीट एंड वगैरह, तो नॉन एल्बुमिनस सीड में आते हैं, इसमें एंडोस्पर्म टोटली कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। ओके, तो जिनमें कम्प्लीटली भी कंज्यूम हो जाता है वो नॉन एल्बुमिनस होते हैं। देखो एल्बुमिन जो है वो प्रोटीन का नाम है, एल्बुमिनस और प्रोटीन जो है जैसे एग प्रोटीन, एल्बुमिनस से आमलेट खाते हैं, खाने की चीज़ है, वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, उसी का नाम यहाँ ले दिया है कि एल्बुमिनस। ठीक है, फूड से रिलेटेड है। ओके, तो एल्बुमिनस यानी जिसमें सीड में फूड यानी एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, तो एल्बुमिनस सीड, और जिसमें कंज्यूम हो गया उसे नॉन एल्बुमिनस सीड। ठीक है, एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। ओके, तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होता है, सो इट इज ए, ठीक है, स्टोर फूड रिजर्व फूड फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो। ओके, दिस इज द एंडोस्पर्म। नेक्स्ट है आपका सीड। ओके, तो सीड क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट इनटू द सीड। ओके, तो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, तो सीड एम्ब्रियो को कैरी करता है, एक लिटिल प्लांट को कैरी करता है। ओके, नेक्स्ट जर्नेशन के लिए परसिस्ट करता है सीड। ओके, तो सीड में कुछ नहीं आते हैं, एल्बुमिनस सीड या नॉन एल्बुमिनस सीड कोड क्या है, सीड कोड ये है कि आपके जो एम्ब्रियो के जो इंटरमेंट है वो सीड कोड भी बनाते हैं। ठीक है जी, और जो आपके एम्ब्रियो है वो सॉरी जायगॉट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया है, इट परसिस्ट एम्ब्रियो ओके फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। एल्बुमिनस सीड है तो उसमें आपके जो एंडोस्पर्म है फूड वो कैरी कर रहा है, और नॉन एल्बुमिनस सीड है तो वो कैरी कर रहा है आपका कॉटिलेडनस। क्या सीड कर रहा है? कॉटिलेडनस, जो होते हैं आपके मोनोकॉट और डाइकॉट, चाहे कोई भी हो। ओके, तो मोनोकॉट और डाइकॉट में सीड जो होते हैं उसमें कॉटिलेडनस कैरी करते हैं फूड को। ठीक है, जब एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है पूरा को। ओके, तो सीड जो है, सीड इज द फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल। ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट इनटू द सीड। ओके, और सीड कोड मैंने आपको बता दिया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होता है आपका कि जो इंटरमेंट है वो सीड कोड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो एल्बुमिनस सीड और नॉन एल्बुमिनस सीड। ओके, एल्बुमिनस एंड नॉन एल्बुमिनस सीड। ओके, तो इनमें आपका एल्बुमिनस सीड में आपका प्रेजेंट एंडोस्पर्म और नॉन एल्बुमिनस सीड में आपका एब्सेंट होता है एल्बुमिनस सीड। तो एक कॉटिलेडनस है, जैसे सीड मोनोकॉट और डाइकॉट पढ़ते हैं तो उसमें कॉटिलेडनस में सीड का प्रेजेंट है, सीड को जर्मिनेट होगा। ओके, उसके लिए वो रिजर्व करता है, प्रोटेक्टिव करता है। ठीक है, तो ये है आपका।
चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, फर्स्ट ईयर कैसा रहा कमेंट्स में लिखिए, और चैनल जो है मेरा वो सब्सक्राइब करिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को जो है फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अभी तो अभी कैमरा लाइन के थ्रू देना पड़ता है, अगर सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो सीधा ही अच्छी क्वालिटी के साथ यूट्यूब के जरिए आप ऑनलाइन देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।